नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ मैं रश गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। भूपेश सरकार में मंत्री शिव जहेरिया ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को नशे का आदी बताया था और जिसके बाद से कांग्रेस के तमाम नेता आक्रोशित है। तब तक पार्टी के कई नेता मामले को लेकर अब तक एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव जहेरिया ने स्वामी के खिलाफ सिविल लाइन थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। जहेरिया के मुताबिक सुब्रमण्यम स्वामी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लिहाजा बीजेपी वाले उनका इलाज कराएं। इधर पुलिस ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। हम लोगों ने यहां ज्ञापन दिया है और एफआईआर दर्ज करने का थाने में निवेदन किया है और जिस तरह की बातें सुब्रमण्यम स्वामी जी कर रहे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दिमाग थोड़ा सा ठीक काम नहीं कर रहा है। उनको एम्स में भर्ती करके उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए जिससे वो भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने का काम कर सके। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने भाजपा की ओर हाथ बढ़ाया है। 12 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में अजीत जोगी की पार्टी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। विधानसभा में जेसीसीजे और बसपा गठबंधन के केवल 7 विधायक हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए जेसीसीजे ने भाजपा से मदद मांगी है। खबर है कि इस सिलसिले में जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी ने नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से फोन पर बातचीत की है। वहीं कौशिक ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर विधायक दल की गुरुवार को होने वाली बैठक में चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। इसमें भाजपा विधायक भीमा मंजावी की हत्या, हिरासत में आदिवासी युवक की मौत, किसानों की कर्ज माफी के साथ कांग्रेस सरकार के वादों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कांकेर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक मकान से 12 लोगों को छुड़ाया है जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने मकान मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। बता दें कि पुलिस को नाबालिगों के लापता होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बच्चों को ढूंढने निकाला। आरोपियों ने लोगों को दूसरे राज्यों में बेचने की योजना बनाई थी। संजय हल्दर के द्वारा वहां से इनको इकट्ठा कर कोयलीबेड़ा मिथुन चौधरी के दुकान में लाकर इकट्ठा किया गया था, जहां से अमनेश चौधरी और संजय हल्दर फरार हो चुके हैं और अभी मिथुन चौधरी हमारे गिरफ्त में है। डायरी लेने के बाद दुकानदार को पूछे, अनिमेश चौधरी नाम का लड़का लाया था और उसके साथ उसका जो मोबाइल दुकान चला रहा था वो लड़का भी लाया था। बच्चे लोग को दुकान के अंदर में बंद करके रखे थे, हम लोग उनको खुलवाए शटर को और उनको हम लोग थाना में सपोर्ट किए हैं। सुशील सलाम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, कैसे पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ कांकेर जिला के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोलीबेड़ा के काकबरस गांव का मामला है, जहां पर इन ग्रामीण बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को यहाँ तस्करों द्वारा लगातार 2 से 3 दिन तक कोलीबेड़ा में लाकर एक मकान में रखा गया था, जहां यहां के स्थानीय लोगों को भनक लगी और समाज सेवियों को, जिसके बाद समाज सेवियों ने वहां पुलिस के साथ धावा बोला और वहां से इन नाबालिग बच्चों को पकड़ा गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जैसे ही पुलिस की भनक लगते ही वो दोनों आरोपी वहां से भाग निकले, लेकिन वही मकान मालिक के बताए अनुसार उस आरोपी की खोजबीन जारी है। शुक्रिया जानकारी के लिए। कौंडागांव में पदस्थ एक महिला पुलिसकर्मी ने SBI के कैशियर पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। ये GRP हाउसिंग कॉलोनी है, वहाँ पे एक फैमिली रहते ऊपर नीचे, उसमें जो प्रार्थी है इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि जो एप मिंज करके है, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कैशियर है, उसके द्वारा शादी का प्रलोभन देकर लगातार इसके साथ दैहिक शोषण कर रहा था। इसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई है। रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में IPC की धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आप फिलहाल जो इसके आरोपी हैं वो घटना दिनांक से फरार हैं। इस संबंध में संबंधित बैंक को इसकी सूचना दे दी गई है और उसकी पता तलाश की जा रही है। पता तलाश करने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई फिर से पृथक से की जाएगी। चलिए खबर सुकमा से देखेंगे। यहाँ डीआरजी की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इसमें जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर उसके शव के साथ ही इंसास राइफल भी बरामद की है। जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ डब्बा कोंटा के जंगलों में हुई है। बता दें कि सुरक्षा बल के लोग एक स्पेशल ऑपरेशन पर निकले हुए थे जिसमें उन्हें ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शिवा यादव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, क्या और ताजा अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि पुलिस को सूचना के आधार पर जो आज ऑपरेशन चलाया था जिसमें एसपी सलभ सिन्हा ने यह बात बताया कि वहां पर कई बड़े नक्सली भी घायल हुए हैं। साथ ही एक महिला नक्सली जो कि बटालियन के कंपनी नंबर 2 की सेंक्शन कमांडर थी उसका शव बरामद हुआ है। साथ ही साथ इंसास राइफल भी बरामद हुआ है। जी शुक्रिया जानकारी के लिए। चिटफंड कंपनियों पर लगातार हुई कार्यवाही के बाद ठगों ने अपने काम का तरीका बदल दिया है। दुर्ग पुलिस ने ऐसे ही एक जालसाज को लोगों को अपने झांसे में लेते हुए एक मीटिंग के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी लोगों को विदेश घुमाने के नाम पर हजारों रुपए लेने के बाद चेन सिस्टम पर काम करने का लालच दिया करता था और कंपनी ने देश के कई शहर में अपने सदस्य बना लिए थे जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर पूर्वी राज्य शामिल है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। की जा रही थी और निश्चित रूप से जिसका अन्य जो पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि ऐसे कंपनियां पैसे इकट्ठा करती है और फरार हो जाया करती है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसमें कि प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत इसमें धारा 4-5 के तहत कार्रवाई की गई। 420 और 34 का मामला पंजीबद्ध किया। दंतेवाड़ा की इंद्रावती नदी में एक नाव तेज बहाव में फंस गई है जिसमें नदी पार कर बारसूर आ रहे 21 लोग नदी के बीच चट्टान पर फंस गए जिन्हें घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। इस दौरान तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आफत में फंसे लोगों को जगदलपुर से रेस्क्यू टीम बुलाकर बचाया गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्वास्थ्य संवाददाता पंकज सिंह ने पूरी घटना को कैमरे में कैद किया। साथ ही वहां मौजूद दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और एसपी अभिषेक पल्लव से रेस्क्यू अभियान को लेकर खास बातचीत भी की। किस लोग फंसे हुए थे, प्रशासन ने जल्द से जल्द राहत पहुंचाई है और एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। 3.5 घंटे में इस ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट करके 21 लोगों की जान बचा ली गई है। ये वही कोसलनार का घाट है, ये बड़ा एक घाट है इंद्रावती का और यहाँ पर जिला स्तर के तमाम आला अधिकारी खड़े हैं। एसपी सर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे सर, क्या था सर यहाँ पर जब आप पहले पहुंचे? 12:50 से हमें सूचना मिली कि एक जो डोंगी है वो नाव जो है मोटर फंस गया है और उसमें 21 से 22 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। हमें बताया गया कि पानी का लेवल बढ़ रहा है और वो खतरे में है। तुरंत जो है कमांडेंट होमगार्ड से बात की गई, एफटीआरएफ से बात की गई, बोट का इंतजाम किया गया और तुरंत हम लोग मैं कलेक्टर साहब यहाँ पहुँचे। हम लोग हमने जायजा लिया, रोप्स मंगवाए गए और जैसे ही बोट आई मोटर बोट हमने देखा कि जहाँ पे ग्रामीण है वो एक डोमिनेटेड हाइट पे है, करीब 10 फीट ऊंची चट्टान है, उस पर बैठे हुए सुरक्षित है। जल्दबाजी ना करते हुए संयम रखते हुए हमने जो है मोटर बोट का इंतजार किया और रेस्क्यू बोट से सभी 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर हमारे साथ दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ तो प्रशासन की दी हुई मोटर बोट थी जो इस हादसे में फंसी थी। सर बताएंगे कि जो बोर्ड है यहाँ पर, बता रहे हैं कि उस बोर्ड पर गड़बड़ी आई थी तो सर उसको कुछ बनाने का विकल्प? अब उसका जो भी है अभी बनवाएंगे उस पर, ताकि क्योंकि अगले 3-4 महीने तक ग्रामीण उससे आवागमन करते हैं, निश्चित ही उसको सुधरवाएंगे। यही देखने से ही पता चला है कि इसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठ गए थे क्योंकि उसी बोट से सवेरे जो ग्रामीण आ रहे थे इसी इधर से गए हुए थे। बोट तो अभी तक चल रहा था लेकिन इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि क्षमता से ज्यादा उस पर ना बैठे। अब जो भी टेक्निकल फॉल्ट आया है उसको सुधरवा के फिर से ग्रामीण। राजेंद्र राव के पारी नाला पुल से एक तेज रफ्तार ट्रक पुल से नीचे गिर गया और ट्रक के गिरने से चालक ट्रक में ही दब गया और नाले के लबालब होने के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि परिचालक ने बामुश्किल अपनी जान बचाई।
सुबह करीब थाने में आके सूचना मिली कि एक ट्रक एक्सीडेंट होकर पर्री नाला में गिर गया है। उसके परिचालक ने आकर यहाँ बताया, जिसमें ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। उससे जांच में लिया गया है मर कायम करके। परिचालक से पूछा गया तो उसने बताया कि महाराष्ट्र से सब्जी लोड करके आइशर गाड़ी में हम लोग आ रहे थे, जो पर्री नाला के पास गड्ढे में ट्रक का चक्का गिरने से ऑफ डिवाइडर से टकराते हुए गाड़ी पर्री नाला में गिर गई। गिरने के पश्चात कंडक्टर बाहर निकला कांच वांच तोड़कर। उसने देखा कि गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, पता था वहाँ उसने खोजबीन की, ड्राइवर का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद उसने थाने में आकर सूचना दी, जिस पर ड्राइवर की बॉडी मिलने पर मर कायम करके जांच में लिए गए हैं और उसकी हेड कांस्टेबल रात्रि जी जाँच कर। कहियोर थाने के अंतर्गत महानदी पुल के बीचों बीच दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें मोटरसाइकिल चालक राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठे दो शख्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसका हस्ता हो गया तो कुछ शासन से कुछ लाभ मिलना चाहिए। ये भय रायपुर ही सब हो गया, एक अभी हमारे पास सुबह एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर तत्काल PCR के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और घायलों को तत्काल अपने PCR वाहन से अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। कोरबा में इन दिनों जमीन पर रेंगती मौत का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बरसात के बाद सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और ऐसी ही एक घटना राताखार में सामने आई है, जहां घर में सो रहे व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया, जिसकी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। अचानक सांप काटा तो उठ के देखा कि मेरे को सांप काट लिया। उसके बाद में जैसे उठाना तो उठा तो देखा कि सांप ऐसे करके बैठा हुआ है। सोनहत विकासखंड के ग्राम पंचायत कैलाशपुर में कोटवार पद पर रहे ग्रामीण को साल भर से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी की मांग करने पर सरपंच उसे तहसील कार्यालय जाने की सलाह देते हैं। ग्राम सभा की बैठक में पंच सरपंच सचिव व सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित कर उसकी नियुक्ति अस्थायी रूप से कोटवार पद पर कर दी गई थी, जो अब दर दर भटकने के लिए वो मजबूर है। काम करवाई साल भर मोकेला पैसा मांग सुन तो कहते कि जा तहसील तरफ से तू रोज है तहसील तरफ से साल भर घोटेला तो सर तू गरीब आदमी मैं भूखे मरे का ही सुनाई गए साहेब। तो कोटवार को साल भर से मजदूरी नहीं दी गई है, वो दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन अभी तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं। कांकेर जिला मुख्यालय से घोटिया जाने का मुख्य मार्ग की स्थिति अब जर्जर हो चुकी है, जिसके चलते इस क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क में जगह जगह गड्ढों की वजह से अभी भी वर्तमान में स्थिति अगर देखी जाए तो पानी भरा हुआ है और आने जाने वाले राहगीरों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही इसी मार्ग पर एक ग्रामीण गड्ढों की वजह से गिर गया था और उसे गंभीर चोटें आई थी, जिसे देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क की मरम्मत कराने के लिए जिला प्रशासन से मांग की थी, लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्वारा इन ग्रामीणों की फरियाद नहीं सुनी गई। और अब जब बारिश का मौसम आ गया है तो लगातार हादसे हो रहे हैं और ये सड़क हादसों का सबब बनती जा रही है। यहाँ पे तो स्थिति कहें कि बहुत ही खराब स्थिति है, जहाँ तहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क कम गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं। और खासकर जैसा बारिश का मौसम हो गया है ना, अब जैसा बारिश का मौसम है पूरा गड्ढे में पानी भर गया है, आने जाने बहुत दिक्कत। बारिश पूरा रोड पानी भरा रहता है, गड्ढा पता नहीं चलता, कई बार हम लोग गिरते वहाँ पड़ते आते जाते हैं। जी जी, तो इस मार्ग से गुजरना क्या लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है? बहुत मुसीबत बन चुकी है। कोरबा में साइबर क्राइम के अपराधों की विवेचना में तेजी लाने के साथ ही विवेचकों को जरूरी जानकारियों से अवगत कराने के लिए जिला पंचायत में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ ही विवेचना अधिकारियों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों के माध्यम से साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों की विवेचना के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुणे से साइबर एक्सपर्ट ने पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को साइबर अपराधों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि कैसे इन तमाम अपराधों की विवेचना में तेजी लाई जा सकती है और कैसे इन तमाम समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है।
बैंक से रिलेटेड हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, ईमेल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे संबंधित जो अपराध घटित हो रहे हैं उस पर किस प्रकार से विवेचना की जानी चाहिए और किस प्रकार से अपराधियों को पकड़ना चाहिए, इस संबंध में समस्त जानकारी उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के सकारात्मक फैसले के साथ अब बच्चे का जन्म होते ही उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। पिता की जाति के आधार पर ही ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अंतागढ़ के एसडीएम कार्यालय में इस योजना की शुरुआत कर दी गई है और इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी और राजस्व कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। स्थायी जाति पूरा बन गई शासन की एक ऐसी योजना है, जाति प्रमाण पत्र आज आप मान ला एस डी एम साहब दे बाद में संजट नहीं है। शासन की एक योजना है कि बच्चे जन्म लेते ही उनको प्रमाण पत्र दिया जाना है। तो हमारे अंतागढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो बच्चा जन्म पैदा हुआ है उसका हम जाति प्रमाण पत्र तैयार करके उसके पालक को दिया जा रहा है। अभी दी आदिवासी संगठन ने बुरहानपुर जिले की खकरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम नवरा में 6 जुलाई को संपन्न हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह में भेदभाव का आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि पदाधिकारियों ने पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया और अपात्र लोगों को पात्र बताकर उनका विवाह करा दिया गया। विरोध में समाजजनों ने कलेक्टर के नाम जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपा एवं जाँच सही तरीके से पूर्ण नहीं होने की दशा में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरसीबी बजरंग दल के ओर से आवेदन कलेक्टर को दिया है कि जिसमें एक निष्पक्ष जांच किया जाए कि 191 जोड़ों को किस कारण से अपात्र किया और 123 जो जोड़े पात्र हुए इनको किस कैटेगरी में लेकर इनको पात्र कर उनका विवाह कराएगा। हमारे जो बालिकाएं हैं उनके बारे में बताया कि इनका विवाह पुरुष हो चुका है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हम लोग जो है जो अविवाहित कन्याएं हैं जिनके अभिभावक गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं कर पाते, ऐसी कन्याओं का विवाह कराने का है। रायगढ़ की ईशिता ने जेईई एडवांस में ऑल इंडिया 513वीं रैंक हासिल की और इस परीक्षा में पूरे देश में लगभग 13 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। ईशिता की इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी का माहौल है और ईशिता के परिवार वालों ने बताया कि ईशिता बचपन से ही पढ़ने में होशियार रही हैं। उन्होंने 10वीं में 97 और 12वीं में 96% अंक हासिल किए थे और ईशिता हर रोज लगभग 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई किया करती थी। हम फोर्थ क्लास तक मैं रायगढ़ में ओपी जिंदर स्कूल से पढ़ी थी। फिफ्थ से पढ़ाई के अलावा मेरे को पेंटिंग का शौक है, साथ में बास्केटबॉल खेलने का भी शौक है। और मैं उसी को जब समझा कि जब मैथमेटिक्स अच्छा है तो ये जब क्लास थर्ड पास की रायगढ़ से तो मुझे इंटरनेट से मालूम पड़ा कि भारत में सबसे अच्छा जो लड़कियों के लिए स्कूल है वो गलम गर्ल्स स्कूल देहरादून है। कि बेटा यहाँ यही बैठ के खेलो आप, तो वो वहीं बैठ के खेलते रहते कि अगर बोल दे कि कोई आगे मत बढ़ना लग जाएगा, इस चीज को मत छूना, इससे आपको चोट आएगी, तो वो कभी नहीं छूटी थी। पापा ने कभी अपना संपर्क उससे नहीं तोड़ा क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए उनके माँ बाप उनके साथ होना जरूरी, दूर रहे पर पास बना रहे। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत कोरर से तरांदुल जाने वाले मुख्य मार्ग पर बंजारी माता मंदिर घाट पर पेड़ के गिर जाने के चलते दोनों ओर से आवागमन बाधित हो गया और जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया है कि आज धनैली का साप्ताहिक बाजार भी लगता है और पेड़ गिर जाने के चलते व्यापारी भी बाजार नहीं जा पा रहे हैं और साथ ही लोगों ने बताया कि हाटकर्रा से तरांदुल जाने के लिए यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है। बरसात में पेड़ के गिर जाने से आवागमन पूरी तरह से कट गया है। लोगों ने प्रशासन से रोक से पेड़ को तुरंत हटाने और पुलिया बनाने की मांग की है। झाड़ गिरने पर आवागमन का सुविधा ठप हो रहा है, बहुत परेशानी है। यहाँ तरांदुल सात गांव पटारे लोगों को बहुत परेशानी है और व्यापारी लोगों को भी बहुत कष्ट हो रहा है।
कोरबा में एक बैंक में चोरी के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है और तीनों आरोपी नाबालिग हैं। आरोपियों ने बैंक से 60,000 की चोरी की थी। पुलिस ने नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया। वहीं बच्चों के परिजनों ने पुलिस पर मामला नहीं बनाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बहन छोड़ दे वो कहीं ना है हम केस नहीं बना कहीं जितना पैसा ले है तीनों छन उतना पैसा रख दो कहते ठीक ठीक है साहब। मैं कहें कि मैं कहीं से फोड़ ढूर के दे हूँ कहें मैं भी फिर मैं पैसा मांगेगी पैसा किस मैं एक आदमी है चल मैं दिला दे दो कहीं अब जैसे मोर गहना जेवर है इसमें भेज भूज के दे हैं वाला अब मोर तरफ कुछ नहीं है साहब। मैं नाम के जैसे बोली कैसा पैसा रख दे हैं अब वो पैसा दे मैं 16,000 दे हूँ और 12,500 दे गई तो छोड़ दे वो कह प्लीज कहना ले अपने छोड़ दे वो प्लीज कहा नाम है मंत्री धमतरी जिले में 11 शिक्षकों को विद्यालय से गैर हाजिर रहने पर कलेक्टर धमतरी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। वहीं नोटिस का जवाब तय समय पर नहीं देने पर आगे की कार्रवाई करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। दरअसल जिले में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही शत प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति सहित शिक्षकों की गैर हाजिरी पर भी नजर रखी जा रही है। नए शिक्षण सत्र के शुरू होते ही लगातार जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों का दौरा किया जा रहा है। जिला स्तर के अधिकारी स्कूलों का औचक दौरा करके स्कूलों से नदारद रहने वाले शिक्षकों की सूची बना रहे हैं ताकि स्कूलों से टीचरों का गैर हाजिर रहने की समस्या से जिले को निजात मिल सके। हमारे द्वारा दौरा किया जा रहा है, साथ में ही सभी आला अधिकारियों को जिला स्तर के अधिकारियों को पंचायतें और सेक्टर्स प्रभार में दिए हैं वो लोग भी दौरा कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश इसी में है कि किसी प्रकार से जो टीचर्स अनुपस्थित रहते हैं स्कूलों में वो समस्या से धमतरी को मुक्त किया जा सके और स्कूलों का संचालन पूरी तरह से अच्छे से हो। कोंडागांव में मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है और जिसके चलते 25 शिक्षित बेरोजगारों को आश्रय भवन में निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस अभियान में प्रशिक्षण लेकर बेरोजगार अपने जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं। तो वहीं कोंडागांव में एक व्यक्ति ने अनोखे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। जहां इस शख्स ने केक काटने की जगह पौधारोपण किया तो वहीं ग्रामीणों को 500 पौधे भी बांटे। आपको बता दें कि कोंडागांव के रितेश पटेल हर साल अपने जन्म दिवस के मौके पर इसी तरह से वो मनाते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग देते हैं। रितेश ने कहा है कि इस तरह जन्मदिन मनाना यादगार होता है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी माध्यम के साथ हिंदी मीडियम की पढ़ाई करने की अर्जी कलेक्टर से लगाई है। दरअसल कक्षा 6वीं से अंग्रेजी माध्यम की शालाएं संचालित करने के लिए राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुआ। बच्चे चूंकि पहली से 5वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो इन्हें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने में कठिनाई हो रही है। एडमिशन नहीं हो रहा हिंदी में, इंग्लिश बोल रहे तो हम लोग को इंग्लिश हिंदी से हम लोग पढ़े नहीं थे, इंग्लिश हम लोग को नहीं आता ज्यादा, हम लोग कमजोर है इंग्लिश में थोड़ा, बोल रहा कि हिंदी पूरा बंद हो गया, हिंदी कैसे बंद हो सकता है, हम लोग हिंदी पढ़े कभी भी टीचर बने क्या जी। जी हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ने चाहते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ने चाहते, हम लोग को बोल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ने के लिए पर हम लोग पढ़ नहीं पाते, हिंदी मीडियम में पढ़ने चाहते हैं हम लोग, वही कन्याशाला में पढ़ने चाहते हैं, बालक स्कूल में नहीं जाने चाहते। इंग्लिश में डालो हम, लेकिन कह रहे हैं कि हमें ये लायक नहीं है, इसको हमें हिंदी में पढ़ाओ। और एक बात, दूसरा बात, वहाँ जाने के बाद में 1,000 रुपये का भी अपने मर्जी से लोगों ने एक से कहने ये यानी ड्रेस सिलाए हैं अलग से, शासकीय ने ड्रेस को पहनाने के लिए तैयार नहीं। दूसरा बात, मैं उपाध्यक्ष हूँ ये संस्था का, तो ये जितने आए हैं सब हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हैं, कोई इंग्लिश में जाने के लिए तैयार नहीं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में